Hello students, welcome to this class. Today in this lecture I am going to discuss resonance. Previous lecture में हमने discuss किया था power in AC circuit और इस class में हम discuss करेंगे resonance in LRC circuit. ठीक है? Heading दो. Resonance. Resonance. तो देखो ये resonance होता क्या है? अगर हमारे पास एक LRC circuit है, LRC सर्किट में मान लो कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है. अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो उसका जेड का वैल्यू चेंज होगा, दैट इज योर इंपेडेंस. अगर इंपेडेंस चेंज होगा तो करंट का वैल्यू भी चेंज होगा. तो रेजोनेंस होता है द कंडीशन इन व्हिच करंट इन द LRC सर्किट इज मैक्सिमम. ठीक है, राइट डाउन. इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन इन व्हिच current in LRC circuit is maximum. LRC circuit is maximum for a given value of potential and resistance. Given value of potential and resistance. So let's suppose you have one LRC circuit connected to one AC source. So ये हो गया आपका यहाँ पे XC, XL और ये हो गया आपका R. तो अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, तब जाके वो कंडीशन क्या होगा आपका, रेजोनेंस. तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है दैट वी, वी इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी एफ और यू कैन से ओमेगा. तो अब देखो यहाँ पे करंट, करंट को आप क्या लिखते हो, करंट आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, इट इज वी बाई आर. एसी में होता है वी बाई जेड, फिर जेड इज योर इंपेडेंस. जेड क्या होता है, इंपेडेंस, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वेयर. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं आई आर एम एस, तो ये कब वी आर एम एस बाई जेड और आई मैक्सिमम, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, दैट इज करंट इज इक्वल टू वी बाई जेड. तो अब यहां पे करंट आरएमएस बोलो या फिर एम्पलीट्यूड बोलो, करंट मैक्सिमम होगा. देखो ये कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, करंट मैक्सिमम, दैट मींस वैल्यू ऑफ जेड मिनिमम. तो करंट मैक्सिमम तब होगा जब जेड क्या होगा, मिनिमम. तो अब यहां पे आर भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जेड मिनिमम कैसे होगा, दैट इज वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी, दैट डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी. तो अब यहां पे करंट मैक्सिमम है तो जेड होगा मिनिमम. तो मिनिमम जेड को कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी. तो वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी को हम चेंज कैसे करेंगे, देखो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इनटू एल, एक्ससी इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी. सो इफ वी चेंज ओमेगा देन एक्सएल एंड एक्ससी ऑल्सो चेंज. ठीक है, तो अगर हम ओमेगा चेंज करेंगे तो एक्सएल और एक्ससी क्या होगा, चेंज होगा. तो अब देखो यहां पर एक्सएल दोनों में से कोई भी बड़ा हो, चाहे एक्ससी बड़ा हो या फिर एक्सएल बड़ा हो, अगर माइनस आ रहा है तो स्क्वेयर है, तो हमेशा ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है. बट जब दोनों इक्वल होंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो. तो जब ये जीरो होगा तब जाके जेड होगा आपका मिनिमम. ठीक है, सो हियर यू कैन से जेड इज मिनिमम, इट्स इंपेडेंस इज मिनिमम व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी. तो एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया जीरो, जेड इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आर, इट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू आर. सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, तो एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, एक्ससी हो गया वन बाई ओमेगा सी. सो आई कैन राइट दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई एल सी. तो यहां से हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 by under root of LC. तो यहां पे देखो जब ओमेगा का वैल्यू होगा 1 by under root of LC, तब होगा Z मिनिमम एंड करंट मैक्सिमम. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओमेगा. फॉर दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा वी कैन से करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम. और इस ओमेगा को कहा जाता है आपका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
So when angular frequency omega r, that is 1 by under root of LC, we get resonant condition and current maximum. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ओमेगा, क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूं यहाँ पे 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दिस ओमेगा आर, दिस रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर, वेयर एफ आर इज योर, दिस एफ आर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. So in place of omega r, I can write 2 pi f r is equal to 1 by under root of LC. So f r is equal to 1 by 2 pi under root of LC. This one is your resonance frequency. F r is equal to 1 by 2 pi under root of LC. Note down. नेक्स्ट देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू वी बाई जेड, वी बाय जेड, सो आई कैन राइट दिस वन इज वी बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, दैट इज ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी होल स्क्वेयर, ये लिख सकता हूं. तो अब यहां पे अगर मैं कहूं कि ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी, एक काम करो ओमेगा टेंस टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ओमेगा टेंस टू जीरो, अगर ओमेगा टेंस टू जीरो है तो ओमेगा एल क्या होगा, टेंस टू जीरो, बट वन बाई ओमेगा सी टेंस टू इंफिनिटी, वन बाई ओमेगा सी टेंस टू इंफिनिटी, तो ये होगा क्या यहाँ पे, करंट आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, सो वन बाई ओमेगा सी, अगर ये टर्म अगर इंफिनिटी है तो जेड टेंस टू इंफिनिटी, सो वी बाय इंफिनिटी, सो करंट होगा यहां पे नियरली इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब क्या करेंगे, ओमेगा को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे. देखो अगर हम मैं कहूं कि ओमेगा को मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं बट नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लेट्स सपोज ओमेगा इज लेस देन रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर ये ओमेगा से कम है तो ओमेगा एल इज ऑलवेज लेस देन वन बाई ओमेगा सी, एक्सएल इज लेस देन एक्स सी. तो अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक्सएल इज लेस देन एक्स सी, तो सर्किट को हम बोलेंगे यहां पे कैपेसिटिव सर्किट. कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, अगर एक्सएल छोटा होगा एक्ससी से तो वो होगा आपका कैपेसिटिव सर्किट. अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो यहां पे ओमेगा एल इज ग्रेटर देन वन बाई ओमेगा सी होगा, तो इसका मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी, तो इस केस को आप बोलोगे यहां पे जो रेस्ट सर्किट है दैट वन बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे, अगर हम देखो फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा, ये वैल्यू डिक्रीज होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, द सर्किट बिहेव एज कैपेसिटिव सर्किट, एंड इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देन एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी देन दैट वन बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट. ठीक है, इसके क्वेश्चन आते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो इंडक्टिव सर्किट होगा या फिर कैपेसिटिव सर्किट होगा, तो ये आंसर. ओके, तो अब देखो फिर से, अब ओमेगा को इंक्रीज करते जाओ, ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी, ओमेगा टेंस टू इंफिनिटी, देन यू कैन से ओमेगा एल ऑल्सो टेंस टू इंफिनिटी, देखो ओमेगा एल टेंस टू इंफिनिटी तो जेड भी टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू वी बाई जेड, दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो.
सो इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, आप एफ लो या फिर ओमेगा लो, ओके तो फर्स्ट जब ओमेगा जीरो था, ओमेगा जीरो था तो करंट क्या था, जीरो, तो ये जीरो से इंक्रीज होगा और फिर से हो जाएगा यहाँ पे जीरो, टेंडिंग टू जीरो. व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, करंट बिकम्स जीरो, टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस वन बिकम्स जीरो. ठीक है, तो अब ये है आपका यहाँ पे करंट है, तो फॉर दिस पॉइंट करंट इज मैक्सिमम, दिस इज योर मैक्सिमम करंट आई मैक्स. तो मैक्सिमम करंट जब होगा कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इफ यू टेक ओमेगा देन दैट वन इज योर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका करंट क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा. ठीक है, सिमिलरली इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ और ओमेगा विथ इम्पीडेंस जेड. तो अब देखो यहाँ पे जब ओमेगा छोटा था, व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस टर्म टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो जेड टेंड्स टू इंफिनिटी. सो व्हेन ओमेगा इक्वल टू जीरो, जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, देन अगेन डिक्रीजेस. तो जब ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर. जब ये हो गया तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा एक्ससी, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा आर, जेड का वैल्यू क्या होगा आर ड्यूरिंग रेजोनेंस. सो अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा यहाँ पे जेड इज इक्वल टू आर. फिर से जब ओमेगा यहाँ पे टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है, ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी, जेड ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये फिर यहाँ से इस तरीके से ये इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है, दैट मिनिमम वैल्यू इज योर आर, एंड वी गेट दिस मिनिमम वैल्यू व्हेन और ड्यूरिंग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो दिस वन इज द ग्राफ बिटवीन इंपीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी एंड करंट एंड फ्रीक्वेंसी. नोट डाउन. अब देखते हैं यहाँ पे पावर. रेजोनेंस में हमने देखा करंट होता है मैक्सिमम और जेड होता है मिनिमम. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पावर, प्रीवियस लेक्चर में पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इस एवरेज पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, ये था. फिर कॉस फाई, कॉस फाई क्या था आपका पावर फैक्टर, इट इज अ पावर फैक्टर cos phi that is equal to r by z. So during resonance z is equal to r, during resonance xl equal to xc. अगर xl equal to xc है तो z equal to क्या होगा, r होगा. अगर z equal to r है तो cos phi क्या होगा, r by r that is 1. तो आपको ये याद रखना है, ड्यूरिंग रेजोनेंस पावर फैक्टर इज इक्वल टू वन. अगर पावर फैक्टर वन है मीन्स पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा. अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पावर को, आई कैन राइट दिस वन इज योर आई आर एम एस स्क्वेयर इनटू आर. ये भी होता है फॉर्मूला आपका पावर का. सो इफ रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है फॉर द सर्किट, रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट. सो व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम पावर ऑल्सो मैक्सिमम. तो यहाँ पे करंट क्या होता है, रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा. So during resonance z equal to r cos phi, this power factor is equal to 1 and power is or power output is maximum. Okay, power output यहां पे क्या होगा, maximum होगा. ठीक है, तो अब यहां पे देखो resonance में हमने क्या क्या देखा, जब भी resonance होगा तो resonance में क्या क्या होता है, first करंट होता है मैक्सिमम, पावर दिस वन ऑल्सो मैक्सिमम, देन पावर फैक्टर दैट इज कॉस फाइव इज इक्वल टू वन, और क्या था एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी,
then resonance angular frequency is equal to 1 by under root of LC, then इसके बाद अच्छा अब देखो XL is equal to XC है, अब यहाँ पे I multiply कर दो, दोनों साइड अगर I multiply करोगे तो I XL क्या होता है VL, I XC क्या होगा VC, तो दोनों में potential क्या होता है same, potential across capacitance is equal to potential across the inductance, ठीक है मैग्नीट्यूड सेम होता है डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही होता है। चलो और क्या क्या है यहाँ पे, पावर मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, पावर फैक्टर वन, XL इक्वल टू XC, VL इक्वल टू VC एंड ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे रेजोनेंस, नोट डाउन, राइट अ क्वेश्चन, फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड देन राइट क्वेश्चन, द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड आउट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, करंट एंड रीडिंग ऑफ आइडियल एसी वोल्टमीटर। तो हमें यहाँ पे गिवन एक एलआरसी सर्किट, यू गेट इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वैल्यू है 2 बाय पाई हेनरी, 100 ओम, 50 बाय पाई माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में हमने दिया है पोटेंशियल 200 वोल्ट, 50 हर्ज, एसी सोर्स, V1, V2, V3, V4, V5, दीज आर दी एसी वोल्टमीटर, आइडियल है तो यहाँ पे कोई भी आपका लॉस नहीं होगा। तो हमको निकालना है यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो XC, what is XC? Capacitive reactance, that is 1 by omega C. So 1 by omega क्या होता है 2 pi F into C. So 1 by 2 pi. Frequency, frequency है 50 hertz. Then C, C क्या है 50 by pi microfarad, that is 50 by pi micro, means 10 to the minus 6. 10 to the minus 6. So, pi, pi, cancel, तो अब ये क्या होगा यहाँ पे 10 टू 6 को ले आओ ऊपर, 10 टू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 50, 2 इंटू 50, 100 इंटू 50, सो 1, 2, 3, 30 कैंसिल कर दो, तो ये होगा पर 10 क्यूब मीन्स 1000 बाय 5, दैट इज 200 ओम, ठीक है। तो XC इक्वल टू हो गया आपका 200 ओम। तो अब देखो XL, XL इक्वल क्या होगा ओमेगा इनटू एल, सो ओमेगा अगेन 2 पाई एफ इनटू एल, सो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 एंड एल हो गया यहां पे 2 बाई पाई, 2 बाई पाई, सो पाई पाई अगेन कैंसिल, 2 इनटू 50 100, 100 इनटू 2 200 ओम। तो अब देखो यहां पे XL और XC दोनों क्या है सेम, अगर XL और XC दोनों सेम होंगे तो वो क्या हो जाता है रेजोनेंस, तो अगर ये रेजोनेंस है XL और XC दोनों सेम है तो क्या होगा रेजोनेंस ही होगा, अगर रेजोनेंस है तो इंपीडेंस क्या लिखोगे, इंपीडेंस इज इक्वल टू R, Z इक्वल टू R, क्योंकि ये तो आपका कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका R, Z इज इक्वल टू R, वेयर R इज योर 100 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका रिएक्टेंस, देन सेकंड इज योर इंपीडेंस। अब हमें चाहिए यहां पे करंट, तो जब आपका रेजोनेंस होता है तो करंट क्या होगा I इज इक्वल टू V बाय Z और दैट इज V बाय R, तो V क्या है यहां पे 200 डिवाइड बाय आर इज योर 100, 0000 कैंसिल, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो 2 एम्पियर है ये आपका मैक्सिमम करंट होगा या फिर आरएमएस करंट होगा, तो ये आपका आरएमएस करंट है। यहाँ पे सिर्फ गिवन है आपका 200 वोल्ट और कुछ मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो वो होता है आपका आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है आपका आरएमएस पोटेंशियल 200 वोल्ट, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो भी क्या होगा आपका 2 एम्पियर, दैट इज आरएमएस करंट 2 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी आपका वोल्ट मीटर है एसी वोल्ट मीटर, सो नॉर्मली ये तो होता है आपका हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर, तो हॉट वायर वोल्ट मीटर तो ये जो मेजर करेगा दैट वन आल्सो योर एसी वैल्यू, ये हमेशा आपका मेजर करता है आपका एसी करंट, ठीक है, एसी करंट और एसी पोटेंशियल। तो लास्ट क्वेश्चन रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, तो V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस, तो अक्रॉस द इंडक्टेंस V1 इज इक्वल टू I XL, तो I हो गया 2, XL XL हो गया आपका 200, दैट इज 400 वोल्ट। तो अगर मैं लिखूं V2, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा अगेन IR, और सिंपली आप बोल सकते हो कि ये और ये दोनों का पोटेंशियल क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या नेट पोटेंशियल इज योर
IR, that is again 2 into 100, that is 200 volt. ठीक है, अच्छा इसको देखो, आप डायरेक्टली यहाँ पे 200 वोल्ट आप लिख सकते थे, जैसे कि अगर आप फेस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में होता है आपका वी आर, डाउनवर्ड हो गया आपका वी सी, अपवर्ड हो गया आपका यहाँ पे वी एल। तो वी सी और वी एल दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो जो नेट पोटेंशियल है वो क्या है आपका वी आर, दिस वन इज योर नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल क्या है 200 वोल्ट, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 200 वोल्ट। ठीक है, अब वी थ्री, तो वी थ्री क्या होगा, इस पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटेंस, तो अगर रेजोनेंस है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होगा, अक्रॉस दी इंडक्टेंस एंड अक्रॉस दी कैपेसिटेंस पोटेंशियल दोनों सेम होता है, तो वी थ्री इज इक्वल टू 400 वोल्ट, सेम एज दिस वन, वी वन और वी थ्री दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब आते हैं वी फोर पे। ठीक है, तो वी फोर, तो वी फोर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो अब फिर से ये हो गया आपका वी आर, ये हो गया आपका यहाँ पे वी एल। ठीक है, तो वी आर, वी आर का वैल्यू कितना है 200 और वी एल हो गया 400, दिस वन इज 200 एंड दिस वन इज 400, तो ये होगा आपका नेट पोटेंशियल वी आर वी एल। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दिस वन वी नेट इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 स्क्वेयर प्लस 400 स्क्वेयर। ठीक है, सॉल्व कर लो जो है वो भी जो है। तो अब यहाँ पे लास्ट वी फाइव, हमें चाहिए वी फाइव, तो वी फाइव क्या है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वी एल वी आर एंड वी सी। तो वी फाइव देखो, ये हो गया आपका वी आर, दिस साइड वी एल, दिस साइड वी सी, तो वी एल वी सी दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट क्या होगा आपका ओनली वी आर, दैट इज वी फाइव। देखो ये दोनों का कैंसिल, तो बता क्या, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू वी आर, दैट वन इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ओके, नोट डाउन।